हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से। तो टाटा हायरिंग कर रहा है इंटर्नशिप्स के लिए, और ये इंटर्नशिप किन स्टूडेंट्स के लिए है, किन के लिए है, कैसे कैंडिडेट्स के, जो चलिए इस बारे में देख लेते हैं आगे, ठीक है। टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि TSDPL encourages students from various business schools and engineering institutes of repute across the country to be a part of its internship projects which are usually of a duration of 8 to 12 weeks. तो 8 से 12 हफ्ते का आपका ये इंटर्नशिप रहने वाला है, यानी कि 2-3 महीने का आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है, ठीक है। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इनकरेजेस स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस बिजनेस स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है, ठीक है, उनके लिए खास तौर से है। सपोज कि जो MBA कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है ये, ठीक है। अब जाते हैं लर्न व्हाइल यू वर्क, ठीक है। इंटर्नशिप में यही चीज़ होती ही है कि आप लर्न भी करते हो और वर्क भी करते हो, यानी कि जिस तरह से हम लोग ड्यूरिंग आवर स्टडीज हम लोग प्रैक्टिकल का एक हम लोग का पार्ट होता है, रिटन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल होता है। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो तो जिसमें आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है, उसी तरह से इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आप ओवरऑल प्रैक्टिकल समझ सकते हो, ठीक है। ये आप काम करके इसमें सीखते हो, काम भी करते हो और सीखते भी हो, ठीक है। आपको सिखाया जाता है और आप साथ में काम भी करते हो, यानी जॉब भी करते हो और लर्न भी करते हो, तो इससे आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि भले ही हम लोग कितनी भी पढ़ाइयाँ कर लें, लेकिन जॉब जब तक हम उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमें डर लगता है, हम गलतियाँ करते हैं। कितने भी हम पढ़ाई कर लें, लेकिन जब हम नई पहली जॉब करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप होती है कि जो हमें मिस्टेक्स करनी है या जो चीज़ें सीखनी है वो हम इंटर्नशिप में कर लें, ताकि हमारे अंदर का जो डर है या जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या अभी हमको ये लगता है कि अभी इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें काम को करने की। अभी हमने स्टडी तो कर ली, बट अभी वी कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी जॉब, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया, 8 से 12 हफ्ते का यानी कि 2-3 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है। लर्न वाइल यू वर्क, अवर इंटर्नशिप प्रोग्राम इज डिजाइन टू इंगेज स्टूडेंट्स इन फील्ड एक्सपीरियंस। दिस गिव्स देम and on the job learning opportunity. The interns share their insights and explore the linkage between their academic learning and industrial and corporate exposure. तो जैसे मैंने आपको बताया कि the interns share their insights and explore the linkage between their academic learning and industrial and corporate exposure, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि आपकी academic learning और industrial and corporate exposure को आपके academic learning को कैसे use करना है, ठीक है, कैसे काम करना है, उसी के बीच का जो process है वही आपकी है internship, ठीक है। Our interns don't just learn on the job at TSDPL, they are also encouraged to share their knowledge and contribute by giving innovative solutions and suggestions. तो यहाँ पे आपके अंदर का जो confidence है वो काफ़ी built हो जाएगा, because ये कह रहे हैं कि ये मतलब आपका खुद का भी contribution वो accept करेंगे, आपकी खुद की जो knowledge। देखिए जैसे जो नई जनरेशन आ रही है ना डे बाई डे, ठीक है, जैसे डार्विन की हम लोगों ने स्टडी की थी, डार्विन लॉ में था कि जनरेशन में जैसे जैसे प्रोसेस मतलब जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, तो वैसे वैसे लोग और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ज़्यादा उनके अंदर ग्रेस्पिंग पावर बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेशर्स आते हैं उनसे भी वो उनके भी थॉट्स लेंगे, ठीक है, उनका क्या विचार है, वो हो सकता है कि और
बेहतर तरीके से और इजी वे में। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो चीज़ों को आसानी से करने में या ट्रिकी वे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। पहले ज़माने में था कि जितनी मेहनत करो, मतलब मेहनत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था हर चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब ज़िंदगी भर आप मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, ठीक है, और बाद में एक क्लर्क की नौकरी करो। अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया, अब लोग क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो जो भी नई जनरेशन आ रही है वो पुरानी हर जनरेशन से कहीं ज़्यादा एडवांस सोचती है, ट्रिकी सोचती है। दैट्स वाई इन्होंने ये ऐसा कह रखा है कि आपके भी जो थॉट्स हैं आपके जो नॉलेज है उसको भी आपको शो करने का या अपने सजेशन देने का आपको मौका दिया जाएगा, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो और ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप कभी जब दूसरे बार जब आप जॉब में अप्लाई करते हो तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपका काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एट TSDPL। वी इन्वाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट फॉर इंटर्नशिप। द कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स आफ्टर इनिशियल राउंड ऑफ स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन ईच कैंडिडेट्स एबिलिटी मोबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, एंड द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन आल्सो डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप ऑनलाइन। तो उन्होंने कह रखा है कि एक तो ये स्टूडेंट्स सपोज जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट से सीधे इंटर्नशिप करवाते हैं, अदरवाइज जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट से ही कैंडिडेट्स अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ पे आप जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ऐसा इन्होंने बता रखा है। आप अप्लाई नाउ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक फॉर्म है, इसको आप भर दोगे, इसमें सारी डिटेल्स है जो फॉर्म में जनरली होती है, अपने पर्सनल डिटेल्स हो गई आपकी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल, जैसे कि एक रिज्यूमे होता है ना, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ है तो, और इसके साथ ही प्रेफर्ड लोकेशन, ठीक है, फिर अटैच सीवी। तो देखिए आपको फॉर्म तो भरना ही भरना, उसके साथ अपनी सीवी भी अटैच करनी है, ठीक है। तो अपनी सीवी पहले बना लीजिएगा, उसके बाद इसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टाटा इतना वेल नोन ब्रांड है, यहाँ की इंटर्नशिप बहुत मैटर करेगी। कोई बहुत ज़्यादा टाइम की है नहीं, 2 से 3 महीने की है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ भी अप्लाई करोगे आपको बेहतर सैलरी पे यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।